सो गाइस आज के वीडियो में आप लोगों को सीखने वाले गाइस आप लोग बिल्कुल फ्री में आप लोग डोमेन को बाय कर पाएंगे एक साल के लिए फ्री। हाँ गाइस आप लोग एक साल के लिए आप लोग फ्री में डोमेन को बाय कर पाएंगे एंड आपका खुद का नेम पे, ठीक है। तो आपका खुद का नेम पे डोमेन को बाय करने का फायदा क्या है ये भी आप लोग बताऊंगा, ठीक है। तो ये गाइस स्वागत है सभी को इंडियन क्रिप्टो फिशिंग चैनल पर। तो कैसे आप लोग, मैं उम्मीद करते पड़ेंगे आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले गाइस आप लोग फ्री में आप लोग डोमेन को परचेस किस तरह से करेंगे सतोशी कोड डाओ का नेटवर्क में, ठीक है। तो गाइस मैंने कल का वीडियो अपलोड किया था, ये वाला वीडियो को आप लोग नहीं देखा था भाई फटाफट आप लोग जाके ये वाला वीडियो को आप लोग देख लें, ठीक है भाई। ये वाला वीडियो में आप लोगों को बता दी कि आप लोग कोर आईडी को किस तरह से आप लोग रजिस्टर करेंगे, इसमें आप लोग पार्टिसिपेट किस तरह से करेंगे और जो कोर आईडी सीआईडी जो टोकन है ना इसको आप लोग किस तरह से फ्री में आप लोग क्लेम कर पाएंगे, ठीक है। इसमें भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगी, ये कोर का ही प्रोजेक्ट है, ठीक है। मैंने कल का वीडियो में प्रूफ भी देखा था भाई, ये वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो आज का वीडियो देखने का फायदा भी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो को सबसे पहले देखना, जो देख लिया भाई आप लोग मेरे साथ बन रही आप लोगों में देखूंगा किस तरह से आप लोग डोमेन को बाय कर पाएंगे, डोमेन का फायदा क्या है, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा सभी को रिक्वेस्ट है वाला वीडियो को देख लेना, सभी लोग इस प्रोजेक्ट को आप लोग ज्वाइन कर लेना भाई, सतोशी कोर का प्रोजेक्ट है, मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने का चांस है, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग मेटामास्क को ओपन कर लीजिएगा। सभी को पता है कि मैंने कल का वीडियो में क्या बोला था, ठीक है। तो मेटामास्क एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आप लोगों को सबसे पहले जो ब्राउजर वाला सेक्शन है ना इसमें आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने देखिए जो लोग मतलब जिनको पता नहीं चल रहा कि किस तरह से करना होगा, तो कल का वीडियो में जो मैंने आप लोग को लिंक प्रोवाइड किया था ये वाला लिंक को आप लोग पेस्ट कीजिएगा, जैसे मैंने कल बताया था, ठीक है। तो मेरे को पेस्ट करने की जरूरत नहीं क्योंकि कल मैंने इसमें काम किया था, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इस तरह का आप लोगों को ऑप्शन आ गया, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप लोगों को लिंक पेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आप लोगों को फ्री में डोमेन बाय करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने कल आप लोगों को प्रोवाइड किया था, प्रोवाइड करने के बाद आप लोग सभी लोग इसमें ज्वाइन कर थे, आप लोग देख सकते इसमें आपको ग्रीन वाला शो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपको सबसे क्लियर कट क्या बता रहे, देखिए आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोगों को इसमें रजिस्टर करने के लिए 7 कैरेक्टर आप लोग को मतलब होना चाहिए, मतलब एग्जाम्पल आपको समझा दे रहे कि इस तरह का आपको होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कैरेक्टर का आप लोग को होना चाहिए, मतलब डोमेन को आप लोग परचेस किस तरह से करेंगे मैं आप लोग को बता रहा हूं डोमेन का फायदा क्या है। सबसे पहले आपको बताऊंगा डोमेन का फायदा क्या है, ठीक है। तो देखिए डोमेन का फायदा यह है क्योंकि आप लोग सोचिए कि आप लोग हर एक्शन पर आप लोग ट्रांजेक्शन करते हैं कि आप लोग उसको ट्रांजेक्शन आईडी को लेते हैं, मतलब सोचिए कि जो एड्रेस होता है ना एड्रेस को लेते हैं, एड्रेस बहुत लॉन्ग होता है, उसके बाद आपको एड्रेस अगर कोई भी गलत हो जाता है तो आपका मतलब फंड खोने का चांस है, ठीक है। तो भाई इसमें आपको डोमेन मतलब जब परचेस कर लेंगे तो आपका नेम पे एड्रेस हो जाएगा, मतलब सोचिए आपका जो नेम है ना ये आपका हो जाएंगे एड्रेस, उसका बगल में डॉट कोर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप लोग हर वेबसाइट को ओपन करते हैं ना उसके बाद सोचे कि डॉट कॉम होता है, तो इस तरह से आपको होगा, आपका नेम होगा उसके बाद डॉट कॉम होगा, ठीक है। उसी डॉट आपका नेम से जब कोई पैसा भेजेंगे तो आपका अकाउंट पे सीधा आ जाएंगे, और अगर उसको भी आप लोग मतलब सेंड करना चाहते उसका मतलब नेम पर आप लोग भेजेंगे तो चला जाएंगे, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं सारा कुछ तो मैंने आप लोग को बता दिया, कल का वीडियो में आप लोग को बताते हैं कि इसमें एयर ड्रॉप में आप लोग किस तरह से पार्टिसिपेट करेंगे बता दिया था, ये वाला वीडियो को आप लोग जरूर देख लेना, ठीक है। तो चलिए गाइस मैं आपको बताऊंगा कि डोमेन को आप लोग परचेस किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो परचेस करने का मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रही, इधर आपको सर्च का ऑप्शन हो रहा है आप लोग देख लेना, इस सर्च वाला सेक्शन में आपका खुद का नेम भी आप लोग डोमेन को आप लोग परचेस कर पाएंगे अगर अवेलेबल हो तो। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं सर्च, आप लोग देख सकते हैं सर्च का ऑप्शन सर, इसमें आपको खुद का नेम आप लोग टाइप कीजिएगा, मतलब आपका खुद का नेम नहीं है आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब सोचिए कि आप लोग कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस का नेम भी आप लोग डाल सकते हैं, आपका चैनल का नेम भी डाल सकते हैं, आपका खुद का नेम भी डाल सकते हैं। चलिए गाइस मेरा जो नेम है ना ये मैं डाल देता हूँ, गाइस मेरा जो नेम है ना इसको मैंने डाल देता हूँ, ठीक है। तो गाइस मेरा नेम है अशरफुल मंडल, मैंने इसको डाल दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा इधर सर्च वाला सेक्शन में क्लिक करूंगा, ठीक है। सर्च वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद आपको एक बार में आपको रजिस्टर वाला सेक्शन नहीं आता है तो आप लोग दो बार ट्राई करना, फिर से आपको बैक करके आपको ट्राई करना पड़ेगा, तो एक बार आ जाएंगे, मेरा एक ही बार में आ गया। और अगर आपका नेम अगर अवेलेबल है तो आधो आपका इधर आपको देख जाएगा कि आपका अवेलेबल है, ठीक है। इधर आप लोग देख सकते हैं कि अशरफुल मंडल डॉट कोर, ठीक है, इधर ऑप्शन हो रहा है, ठीक है। तो आपका इसी नेम पे आपको डोमेन परचेस हो जाएंगे, ठीक है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं एक साल के लिए बिल्कुल फ्री, कोई भी आपको कोड मत परचेस मतलब आपको पेड करने की जरूरत नहीं, ठीक है। अगर इसको आप लोग इस तरह से इंक्रीज करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं और एक साल के लिए आपको $2 से भी ज़्यादा आपको देना पड़ेगा, बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप लोग एक साल के लिए कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा फंड नहीं है, आप लोग जो फ्री में मिल रहे आप लोग फ्री में परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी फ्री में परचेस करता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहेंगे उसको बाद में आप लोग
और एक साल के लिए बढ़ा लूंगा डोमेन को, तो इसको आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट सोचिए कि जब जिसका मतलब कोर का प्राइस जैसे होगा ऐसे आपको लगेंगे, ठीक है। बट अगर आपको आप लोगों के पास फंड है तो आप लोग दोस्तों के लिए ले सकते हैं, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करते, मैं आपको सलाह नहीं दूंगा, ठीक है। तो चलेगा इस फ्री का मेरे डोमेन को मैंने परचेस कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोग रजिस्टर वाले सेक्शन में क्लिक करना, क्लिक करने के बाद आपको इसमें थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मैंने इधर वेट कर लूँ, आप लोग इतना फी लगेंगे, आप लोग देख सकते फी करवा, आप लोग थोड़ा सा कोर रखना, ठीक है। 0.01 आपको फी लग रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे कन्फर्म वाला सेक्शन होगा, आप लोग कन्फर्म वाला सेक्शन में रखना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक सक्सेसफुल आ जाएंगे। इधर आप लोग फोकस कीजिएगा और इधर भी आपको फोकस करना पड़ेगा क्योंकि सक्सेसफुल आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा वेट करता हूँ, वेट करने के बाद देखते हो कि मेरा सक्सेस होता है कि नहीं, ठीक है। तो रजिस्टर वाला सेक्शन में क्लिक किया, आप लोग देख सकते सक्सेसफुली हुई हो गया एंड ट्रांजेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो मेरा नाम पे डोमेन हो चुका है, ठीक है। तो रजिस्टर वाला सेक्शन में आप लोग क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते मेरा नाम पे डोमेन हो चुका है, ये है मेरा देख सकते डोमेन नेम, ठीक है। तो इस नेम पे आप अगर किसी को मैं पैसा भेजने की कोशिश करूँगा, सोचिए मेरे को किसी ने पैसा भेजने की कोशिश करेंगे तो मेरा जब नेम उसको दे दूंगा, अगर डॉट कोड भी लिख देंगे तो मेरा नेम पे पैसा भेज सकते, मतलब कोड को, ये मतलब सोचिए कि आप कोड किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं ट्रांसफर कर सकते हैं एंड रिसीव भी कर सकते हैं उसका एड्रेस को लेके, ठीक है। ये आपका डोमेन नेम हो चुका है। उसके बाद आप लोग नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते आपका मतलब जो मतलब तारीख अगर आपको इधर देख जाएंगे कि आपको कितना साल के लिए दिया गया है, कितना साल के बाद आपको एंड हो जाएंगे, ये आपको देख जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ तो आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद चलिए डिटेल्स वाला सेक्शन में क्लिक करते हो, डिटेल्स वाला सेक्शन में क्लिक करने के बाद आप लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, आपको आईडी वगैरह सब कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। आप लोग देख सकते कि आपका मेल आईडी को ऐड कर सकते, ईमेल आईडी ऐड कर सकते, आपको नेम ऐड कर सकते, आपको डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते, आपको ट्विटर ऐड कर सकते, आपको टेलीग्राम ऐड कर सकते, सारा कुछ आप लोग इसमें ऐड करना चाहते कर सकते, अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बाद में ऐड कर सकते, नहीं करेंगे फिर भी चलेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ऐड करना चाहते फोटो वगैरह ऐड करना चाहते कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने आप लोग को दिखा दिया, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना होगा, ठीक है, मैं आप लोगों को बता दिया, इसको बैक कीजिएगा, नहीं तो मैंने कल जो मैंने आप लोग को सामने लिंक प्रोवाइड किया था ये वाला लिंक भी आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोग को देखकर वॉलेट वाला सेक्शन में क्लिक किया, मैंने कल जो मैंने लिंक प्रोवाइड किया था ना ये वाला लिंक को आप लोग फिर से इसमें आप लोग पेस्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख सकते ये वाला लिंक मैंने कल का रजिस्टर लिंक को आप लोग फिर से पेस्ट कीजिएगा, नहीं तो बैक करके भी कर सकते हैं, मैंने आप लोगों को मतलब शॉर्टकट में समझा देता हूँ, ठीक है। तो पेस्ट करने के बाद आप लोगों को सामने इस तरह का इंटरफेस होगा, आप लोग देख लेना। सॉरी गाइस, एक बार बैक कर दिया था मैंने गलती से, तो फिर से क्या करूँगा, मैंने फिर से जाऊँगा, उसके बाद मैंने जो लिंक है ना इसको मैंने पे करूँगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते मैंने स्क्रॉल डाउन करता हूँ, सॉरी गाइस। सो गाइस, मैंने फिर से नया टैब लेके मैंने इस वाला ऑप्शन में आ गया। आने के बाद आप लोग देख सकते आप लोग नीचे जाना, ठीक है। नीचे जाने के बाद आप लोग देख सकते आप लोग को इधर और थोड़ा सा नीचे जाना, कितना रेफर हो गया था आपको इधर देख जाएंगे, कितना टोकन को आप लोग परचेस करके रखा है, कितना टोकन आप लोगों को पास है ये भी आप लोग को देख जाएगा। और आप लोग देख सकते अगर और टोकन आप लोग परचेस करना चाहते तो इधर से आप लोग परचेस कर सकते, मैंने कल का वीडियो में आप लोगों को बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग और थोड़ा सा नीचे आना, नीचे आने के बाद आप लोग देख सकते परमानेंट नेम नॉट सेट, ठीक है। इसमें आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और गाइस आप लोग देख सकते हैं इसमें जब क्लिक करेंगे आपको ये जो नेम है ना ये शो करेंगे, इसको आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी तक कोई भी नेम को सेट नहीं किया, तो अभी मैं सेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो गाइस आप लोग नेम को सेट कैसे करेंगे आप लोगों को बता रहे, आप लोग देख सकते हैं इधर आपको जो प्राइमरी नेम है ना इसमें आपको एक नज़र क्लिक करना पड़ेगा, ये नेम आपको सामने शो करेंगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले आपको जो प्राइमरी नेम है ना इसमें आप लोग एक नज़र आप लोग क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने सक्सेसफुली देख सकते क्लिक कर लिया, क्लिक करने के बाद फिर से अगेन आप लोग जाना, जाने के बाद फिर से आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो नेम्स हो रहा है इसमें आप लोग एक बार क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक आपको इधर जो सेट वाला ऑप्शन है ना आपको इधर शो करेंगे, मतलब मेरा जो मोबाइल है ना हैंग करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर से सेट वाला सेक्शन में क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद आपको देख सकते इधर सेट वाला सेक्शन में क्लिक करना, उसके बाद आपको नेम को सर्च कर सकते, ठीक है, जो नेम आप लोगों ने डाला था उसके बाद इसको ऑटोमेटिक मेरा आ गया। अगर नहीं आते ऑटोमेटिक तो आप लोग इसको सर्च कर सकते, तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, ऑटोमेटिक जो आ गया था उसके बाद मैंने इसको क्या करूँगा सेट करूँगा, ठीक है। तो चलिए मैंने इसको चूज़ कर लिया, ठीक है।
उसके बाद आपको सेव करने के लिए बोला जाएगा, आप लोग इसको सेव कर लीजिएगा। आप लोगों का डोमेन नेम ये भी आपको सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको 0.05 आपको सॉरी 3 आपको फीस लगेंगे कोर का। तो चलिए मैंने इसको कंफर्म कर देता हूँ, पता नहीं क्यों ये हैंग कर रहे हैं, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहे। तो चलिए मैंने इसको कन्फर्म कर देता हूँ, आप लोग भी ज़रूर कन्फर्म कर लीजिएगा, ठीक है। तो कन्फर्म करने के बाद आपको ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल आ जाएंगी, आप लोग देख सकते हैं ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो गया। बस आपका सारा काम आपको कम्प्लीट हो चुका है, इसमें आपको और कुछ काम करने की जरूरत नहीं। और गैस मैंने आपको जो कल का वीडियो में बता दी कि जो एयर ड्रॉप में आप लोग पार्टिसिपेट किया था ये मतलब 15 तारीख को ये कहना एंड हो जाएंगे, ठीक है। 15 तारीख को जब एंड हो जाएंगे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हम लोग को कितना टोकन मिलते हैं हम लोग भी देखेंगे। और इसमें आप लोग अच्छा खासा रेट आप लोगों में सेल कर सकते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिलेगी, ठीक है, इन फ्यूचर, ठीक है। तो सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर लो, बस वीडियो में इतना। वीडियो अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट कर देना।